दीदी। हाँ लो अब्बा भी आ गई। खुश रहो, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। अरे अम्मा ऐसा आशीर्वाद कभी हम दोनों भाइयों को भी दे दिया करो। सारा आशीर्वाद अपनी दोनों बहुओं को देती रहती हो। बिल्कुल ठीक बोले भैया, अम्मा हम दोनों को कुछ समझती ही नहीं है, सब कुछ इन्हीं को दे देती है। काहे नहीं देंगे, तुम दोनों भाई तो अपने काम में व्यस्त रहते हो और ये दोनों ही तो हमारा ख्याल रखते हैं, बेटी से भी ज्यादा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम दोनों जो इतनी मेहनत से सारा पैसा कमाते हैं ना, कहीं वो सारा पैसा भी इन दोनों को ही ना दे दे। हाँ दे देंगे, क्या कर लोगे तुम, ये जो सब कुछ है वो इन दोनों का ही तो है। बस बस बेटा बस। अच्छा विनोद भैया, मैं क्या कह रहा था, अपने धान और गन्ने के ट्रक आने वाले हैं, जाके हिसाब कर लियो एक बार और टाइम मिले तो एक बार गोदाम में भी जाइए। ठीक है भैया। बेटा इन दोनों को भी अपने साथ काम पर लगा लो, क्योंकि ये भी घर में है ना, वो क्या कहते हैं बोर हो जाती है। हाँ माँ सही कह रही हैं, मैंने तो बोला ही था भैया को, लेकिन भैया ही मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि अम्मा को तो वश में कर ही लिया है और काम धंधे को भी वश में कर लेंगे। अब्बा हम ऐसा कुछ नहीं कहे हैं, काहे फंसा रहे हो भैया हमें। कैसी है? अब ठीक हो बेटा? हाँ अब सही लग रहा है। हेलो कौन? हाँ विनोद हम बोल रहे हैं। अरे हम कौन बोल रहे हैं भैया, नाम बताओ। ओह गॉड मैन, तुम हमको नहीं पहचाना, क्रिस्टोफर। अच्छा क्रिस्टोफर, अरे भाई कैसे याद किया और हो कहाँ पे तुम? अरे तुम्हारा सिटी बनारस में हूँ, घूमने आया हूँ तो सोचा मिलूं अपने दोस्तों से। आर यू फ्री? अरे फ्री क्या, बिल्कुल फ्री है भाई अपने दोस्तों के लिए, और बनारस आए हो तो हमारे घर आ जाओ घूमने। बट तुम्हारे फैमिली तो दिक्कत होगी। अरे कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, और तुम तो हमारे मेहमान हो, यहाँ के रुक सकते हो। हम तुमको एड्रेस भेज रहे हैं, तुम डायरेक्ट यहीं आ जाना। चलो बाय। ओके ओके बाय। कौन था? अरे वो एक हमारा विदेशी दोस्त था, बनारस आया हुआ था घूमने पिछली बार, इस बार भी आया है तो इस बार बुला लिया घर पे। ठीक किया ना माँ? सही किया बेटा, वैसे भी हमारे यहाँ तो मेहमान भगवान के समान होता है। विनोद दिन रात बस काम पे ध्यान दोगे, कभी अपनी बीवी को भी टाइम दीजिए। देखो डिम्पी, गन्ने के ट्रक आने वाले हैं, थोड़ा हिसाब किताब कर लेने दो। विनोद छोड़ो ना ये सब, कल कर लेना जो भी काम है। देखो थोड़ा हिसाब किताब कर लेने दो, मैं अपनी मैडम को कल प्यार कर लूंगा, अभी जाके सो जाओ।
डिम्पी। क्या हुआ डिम्पी, विनोद ने कुछ कहा क्या? क्या ही बताओ दीदी, इनको काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है, हमारे लिए तो वक्त ही नहीं है इनके पास। इनका भी यही हाल है। ये क्या यार पूनम, तुम्हारा हमेशा का यही है? हमेशा कब हुआ है, बोलिए ना, हमेशा कब हुआ है? हमको तो याद नहीं है। अरे आपके पास मेरे लिए टाइम होता है क्या? बस काम काम काम, हमारी भी कुछ इच्छा है वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी ना। देखो रहने दीजिए। बहू मेरे कमरे में आना। जी माँ जी आई। इन लोगों को तो हमारी इच्छाओं का कोई फिक्र ही नहीं है। खैर छोड़ो ये सब, माँ जी तुम्हें पूछ रही। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, मैं अभी उनसे जाके मिलकर आती हूँ, उन्हें कथा पढ़ के भी सुनानी है ना। इस समय कौन आ गया? शायद विक्रम भैया। नहीं वो तो कल आने वाले हैं। कौन आ सकता है? आ गए। वेलकम। हाउ आर यू माय फ्रेंड? मैं बहुत बढ़िया। चलो मैं सबसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये मेरी भाभी पूनम। नमस्ते भाभी। कितनी अच्छी हिंदी सीख गए हो। और ये मेरी प्यारी पत्नी डिम्पी। हाय। चलो तो फिर तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। हाँ। आ जाओ। तो बड़ा टेस्टी है। किसने बनाया? सविता यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ बनारस घूमने आया हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो सोचा दूसरे दोस्तों से भी मिलूं। तो आप लंदन में करते क्या हैं? मैं एक योग इंस्ट्रक्टर हूँ। यू नो रामदेव बाबा, हेल्थ इज वेल्थ। बहुत अच्छी बात है बेटा। हमारी अम्मा को भी थोड़ा योगा सिखा दीजिए, इनके घुटनों में दर्द रहता है, क्या पता योगा करने से ठीक हो जाए। I can teach. तो चले आज अपना गोदाम दिखा के आते हैं फिर। ओके चलो चले। एक मिनट मैं भी चलता हूँ। चलिए भैया। नाश्ता तो हो ही गया मेरा, चलो मैं गोदाम जाके आता हूँ। अच्छा सुनो पूनम, मैं निकलता हूँ फिर काम के लिए। Hey man, I want to show you something. पूनम बाबी, आपके पास गोल्डन माइन है? गोल्ड माइन? गोल्ड माइन मीन गोल्डन ज्वेलरी। इंडियन वुमेन के पास बहुत होते हैं ना। ओह अच्छा। I can you show me please? Please? हाँ दिखा दो। अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। चलो बाय बाय। Okay, bye. Bye bye. Have a good day.
हाँ बबी प्लीज शो। This is Indian jewelry. How is it, huh? Wow, gorgeous. It's another one. Look at this. Very nice, huh? Indian jewelry. Wow. Okay. Thank you, Bhabhi. हाँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ, देखो। मेरे लिए? हाँ, देखो। वाह, ये कितना प्यारा है। ट्राई करके देख लेना। हाँ। ये सब क्या है? क्या मतलब क्या है? तुम्हें पसंद नहीं है मेरा सरप्राइज? नहीं नहीं बहुत अच्छा है।
विनोद, विनोद क्यों गुस्सा हो रहे हो तुम? अब इसमें नाराज होने की कौन सी बात है विनोद? क्यों ऐसे कर रहे हो, समझो ना। छोड़ो, तुम ठीक हो ना? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। क्रिस्टोफर, अब आप ही बताओ, इस ड्रेस में क्या खराबी है? इसमें कुछ खराब नहीं है। तुम इसमें बहुत ठोस लग रही हो। You're not stupid. Don't worry. You look very beautiful. लेकिन ये बात विनोद को कौन समझाएगा? वो बेमतलब गुस्सा हो रहा है मुझसे। बहू, ओ बहू, बहू कहाँ चली गई दोनों की दोनों? हे भगवान, आजकल इनका काम में मन ही नहीं लग रहा। नहीं, ये दोनों कहां चलेगी? ये इनके कमरे से धुआं कैसे निकल रहा? बेटा सब्जी देना। बहू,
आजकल तुम दोनों का ध्यान कहाँ है? मैं सब्जी मांग रही हूँ ना, सुनाई नहीं देता? जी जी माँ जी। तो वापस जाना है लंदन? हाँ वो इतनी भी क्या जल्दी है, जब तक तुम्हारा मन करे यहाँ रहो, और वैसे भी मेहमान भगवान का रूप होता है ना माँ। Excuse me. Dale. बेटा, घर में जवान औरतें हैं, अच्छा नहीं लगता कि कोई आकर हमारे यहाँ इतने दिन तक रहे। आखिर हम इस विदेशी को जानते ही कितना। बेटा, तुम दोनों अपने घर पर भी ध्यान दो, अपनी जड़ें मजबूत करो, वरना पता है ना, थोड़ी सी भी आंधी आने से टहनियाँ हिलने लगती। माँ, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है मिश्रा जी, आपका माल आप तक पहुंच जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। जी नमस्कार। क्या बात है, आज फिल्में नहीं देख रही है? आपको देखकर ही पेट भर गया, फिल्म देखने की कोई जरूरत नहीं है। डिम्पी, 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 विनोद, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो डिम्पी बेडरूम में नहीं थी। अच्छा डिम्पी, वो शायद बालकनी में। विनोद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बेडरूम में नहीं थी तो देखने आ गया। अरे वो मुझे ना नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बालकनी में ठंडी हवा खा लो। बहुत रात हो गई है, चलो सोते हैं।
मुझे तुम्हारे और उस फिरंगी के रोमांस के बारे में बहुत पहले से ही पता चल गया था। मुझे लगा एक आध बार तुमसे गलती हो गई होगी, अब तुम घर की मर्यादा का ध्यान रखोगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी अय्याशी की पड़ी है। दोबारा ऐसी गलती मत करना और उस फिरंगी से दूर ही रहना, समझी? भाभी कैसा अनुआ? मुझे तुम्हारे और डिम्पी के बारे में सब पता चल गया है। इन सब मुझे नहीं पढ़ना। वो डिम्पी भाभी मुझे इसमें फंसाना चाहते हैं। जैसे आप बोलोगे मैं वही करूंगा, किसी को मत बताना। मैं जो बोलूंगी वो करूंगी। हाँ। बदतमीजी है डिम्पी। अच्छा मैं बदतमीजी कर रही हूँ? मेरा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रही है और खुद मजे ले रही है वो क्रिस्टोफर के साथ? तो तुम्हें जितना मजे लेना था तुमने तो ले लिया ना। अब मेरी बारी है और क्रिस्टोफर से दूर ही रहना, समझी? और हाँ एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा वीडियो अभी भी मेरे ही पास है। Hi darling, how are you? I'm not fine. ऐसा कब तक चलेगा? Don't worry. सब ठीक हो जाएगा जल्दी, तब तक तुम संभालो. It's a request. Please. Okay. But please, तुम अपना ध्यान रखना. Okay. भाभी कहे थे ना डिम्पी से दूर रहो, वरना वरना क्या, किसको क्या बताओगी भाभी? अरे मैम वो वीडियो दिखाओगी ना जिसके दाम पर आप डिम्पी को ब्लैकमेल कर रही थी। वैसे मैंने कब का उसको डिलीट कर दिया आपके फोन से और मेरे फोन पे डाल दिया। मैं कुछ गीत लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए।
ट्राई करके देखो, अगर छोटे हो गए तो मैं रहता हूँ कर दूंगा। अभी देख वैसे मेरे पास कुछ है आपके लिए, कुछ दिखाने को। Your game is over, Abhi. अम्मा, जल्दी करो, लेट हो जाएगा पूजा में जाने में। बाद में हमको मत बोलना कि हमने लेट कर दिया। हाँ हाँ बेटा, अभी आती हूँ। हम लोगों को लेट हो जाएगा आने में, तो आप लोगों को जो ठीक लगे वो बना के खा लेना। और वैसे भैया भी लेट ही आएंगे, ठीक है? चलो बेटा। दीदी, आज खाने में क्या बनाएंगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है। Come on, Poonam, Dimpy, आप लोग आज रेस्ट करो। I will order food from outside. चलो पार्टी करते हैं। हाँ? नहीं प्लीज, नहीं। तुम मेरे साथ पार्टी करो, करना ही पड़ेगा। नहीं। चलना। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं। ऐसे कैसे? अरे ये तो पंचर पड़ी अम्मा। ओहो बेटा, अब क्या करें? अम्मा एक काम करो, अंदर जाके बैठो, मैं ये ठीक करके आपको बुलाता हूँ, ठीक है? इस गाड़ी को भी अभी पंचर होना था। बहू, पानी लेके आना। डिम्पी बहू, पूनम, अरे पानी लेके आओ कोई। अच्छा तुम आ गई, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तुम दोनों मुझे पसंद। देखो मेरे पास है कुछ तुम्हारे लिए देखने को। देखो, हाँ? ओह नो नो नो, डोंट डू दिस। तुम जानते हो मुझे इंडियन ड्रामा पसंद नहीं है। अच्छा, अभी इस पार्टी करेंगे, वरना ये वीडियो सब लोग देखेंगे इंटरनेट पे और मजा ले लेंगे। दोनों में से अभी पानी क्यों नहीं लेके आए? चल के देखती हूँ।
डाउन डाउन डोंट वरी बहू प्लीज अब माफ कर दीजिए इसने हमारा वीडियो बनाया है और ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है हमें बचा लीजिए प्लीज हमें बचा लीजिए हमारी बचा लीजिए प्लीज तुम दोनों को तो मैं बाद में देखूंगी पहले मैं इसको पुलिस के हवाले करती हूँ शक तो मुझे तभी हो गया था जब मैंने इसे इस लड़की के साथ देखा था Darling, how are you? ये लंदन से भागा हुआ है इस पे ड्रग सप्लाई का केस चल रहा है इसीलिए मैंने पुलिस को बुलाया है लेके जाओ उसको मैं शर्म नहीं आई बेटा बेटा मेरी बात सुनो जितनी गलती इन दोनों की है उससे ज्यादा गलती तुम दोनों की है अगर तुमने अपने काम काज के साथ अपने घर गृहस्थी में ध्यान दिया होता ना तो आज ऐसा नहीं होता लेकिन माँ लेकिन क्या अगर तुम दोनों ने अपने रिश्तों की जड़ें मजबूत की होती ना तो ऐसे कोई भी बाहरी आदमी तुम्हारे घर में दरार ना डाल पाता रिश्तों के धागे जितने मजबूत होते हैं उतने ही कमजोर भी इन रिश्तों को टूटने का मौका ना मिले इसलिए हमें भी थोड़ा सजग रहना पड़ता है किसी भी अनजान इंसान को घर में पना देना कभी कभी रिश्तों पर भारी पड़ जाता है ऐसा ही हुआ विनोद के घर पर ना ही वो अपने दोस्त को घर में जगह देता ना आज अनहोनी होती लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा